हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका अपने आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक, सिंदूर मिटा दो। इंसान के आदर्श ही उसकी दौलत होते हैं, लेकिन जब इंसान दौलत को अपना आदर्श बना लेता है तो समाज और देश का पतन शुरू हो जाता है। ऐसे ही इंसानों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाना मेरा लक्ष्य है, और उन तक मैं पहुंचूंगा इंजीनियर चक्रम राठौर की मदद से, जो इस समय इस फार्म हाउस में मौजूद है। लेकिन यहाँ मरघट सी शांति क्यों छाई हुई है? कहीं यह शांति इस बात का द्योतक तो नहीं कि आने वाला है कोई तूफान? दुनिया के सबसे खतरनाक रॉटवाइलर नस्ल के कुत्तों का वह जमघट सचमुच किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन इसका क्या किया जाए कि मुझ जैसे ऐसे तूफान का मुकाबला तूफान से ही करते हैं, और वो तूफान होता है देशभक्ति का। अपने देश, अपनी माटी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने और भारत माँ की लाज बचाए रखने के लिए हर हाल में कामयाबी हासिल करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाने का। लेकिन अपराधी जानता था कि मेरा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाना उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, इसलिए उसने अपने इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके वारों से बचने की फुर्ती आपके जिस्म में है तो धाड़, लेकिन अगर दुश्मन के इरादे को पहले ही भांप लेने की नजर और उसके वारों से बचने की फुर्ती आपके जिस्म में है तो बड़े से बड़े इंतजाम को भी चकमा दिया जा सकता है। इस तरह और इस तरह ताक। अब मेरे और इंजीनियर चक्रम राठौर के बीच था सिर्फ एक मजबूत दरवाजा, मगर देश की जान बचाने जो शख्स बढ़ जाता है उसे रास्ते में खड़ा पहाड़ भी नहीं रोक पाता है। काक। मेरी आंखों के सामने मौजूद इंजीनियर चक्रम राठौर एक पल बाद ही मेरी गिरफ्त में था। मुझे बरगलाने वाला तू है, मुझे रास्ते से भटकाने वाला तू है। अब अगर सच्चाई तूने नहीं बताई तो बाकी की सारी जिंदगी अपाहिज के रूप में गुजारने वाला भी तू होगा। अब मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं है तिरंगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझ पर काज बनकर गिरा चक्रम राठौर का वह सच। नहीं, कह दो ये सब झूठ है, कह दो तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। सच यही है तिरंगा, और मैं इसके लिए तुम्हें सैकड़ों सबूत दे सकता हूँ। बस तुम मुझे यहाँ से ले चलो। मैं उससे कहीं अधिक उतावला था उसे वहां से निकाल ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे उसके सच को साबित करने के लिए भी सबूत चाहिए थे, जो चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि असली अपराधी है ठेकेदार शर्मा, यानी शर्मा अंकल। सच्चाई मेरे सामने थी और मैं उसे झुठला नहीं सकता था, लेकिन मैं इस सच्चाई पर अमल करके कैसे उजाड़ दूं उस माँ की दुनिया जिसने मुझे अपने बेटे से ज्यादा चाहा? कैसे आग लगा दूं उस बहन की खुशियों में जो मुझे सगे भाई से ज्यादा प्यार करती है? एक युद्ध चल रहा था तिरंगा के दिलो दिमाग में। फिर चक्रम राठौर को शहर से बाहर बने एक सुनसान खडर में कैद करने के बाद वापस लौटा तिरंगा। सारे सबूतों और अपराधी के साथ ही चक्रम राठौर को भी पुलिस के हवाले करूंगा। इस चित्रकथा की पूर्ण जानकारी के लिए पढ़ें पिछले दो भाग, निशाना व देशद्रोही। इधर रमाकांत शर्मा जी के घर में, आज करवा चौथ है, आपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखकर 16 श्रृंगार करती हैं। आज हर पतिव्रता स्त्री, लेकिन माँ ने तो आज ना तो व्रत रखा और ना श्रृंगार किया। माँ ने ऐसा क्यों किया? इसका पता मुझे हर हाल में लगाना होगा। माँ, आखिर आप बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? शिखा के बार बार पूछने पर मिसेज शर्मा के दिल में दबे रहस्य का गुब्बार तो नहीं फूटा, लेकिन आंखों में दबे आंसू जरूर फूट पड़े। आपकी आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं माँ कि आपने अपने सीने में किसी रहस्य का तूफान छिपा रखा है। प्लीज माँ बताओ। जिस माँ के बेटे की जान खतरे में, वो वाला श्रृंगार कैसे कर सकती है? क्या अभय भैया की जान खतरे में? नहीं मेरी बच्ची, मैं अभय की बात नहीं कर रही, बल्कि उसकी बात कर रही हूँ जो देश से प्रेम करने वाली हर माँ का बेटा है, और उसका नाम है तिरंगा। शिखा को लगा मानो उसके कानों के पास ही कई बम एक साथ फटे हों। तिरंगा की जान को खतरा है, मगर किससे? ये मुझे भी ठीक से नहीं पता मेरी बच्ची, लेकिन इतना समझ ले कि भारत की लाखों माँ जल्दी अपना सबसे प्यारा बेटा तिरंगा खो देंगी, और उनमें से मैं भी एक हूँ। आप नहीं जानती माँ कि तिरंगा के साथ साथ आप अपना बेटा अभय भी खोगी, क्योंकि अभय भैया ही तिरंगा है। लेकिन आपकी ये बेटी ऐसा नहीं होने देगी, आज भी ना आने देगी ये तिरंगा पर। अंतर्द्वंद की ये लड़ाई रात के साथ ही समाप्त न हुई, अगले दिन भी जारी थी वह जंग। उफ, माँ का क्या हाल होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा पति देशद्रोही है? क्या बीतेगी शिखा पर यह जानकर कि उसकी रगों में एक देशद्रोही का खून दौड़ रहा है? क्या अभय यह सत्य सहन कर पाएगा कि वह जिस व्यक्ति के सुबह शाम चरण स्पर्श करता है वह देशद्रोही है? अभय जैसे देशभक्त को यह भनक भी लग गई कि वह देशद्रोही है तो वह तुरंत ही ये घर छोड़कर चला जाएगा। अभय का खोना गवारा नहीं कर सकती मैं, इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगी। कैसे बताऊं?
मैं तुम्हें मां की आज तक जो सिंदूर अपनी मांग में भरती रही उसकी लाली सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगी हुई है। कैसे मैं अब भैया पर मंडराते खतरे के बारे में उनको बताऊं? देशभक्ति, उसूल, रिश्ते और भावनाओं की उस लड़ाई में आखिर देशभक्ति की जीत हुई। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं लाखों हिंदुस्तानियों के सुहाग को उजाड़ने की दोषी नहीं बन सकती। मुझे अब भैया को सारी बात साफ साफ बतानी ही होगी। चाणक्य ने कहा था, एक घर के लिए एक व्यक्ति, एक नगर के लिए एक घर और देश के लिए एक नगर बलिदान किया जा सकता है। जबकि मुझे तो देश के लिए एक व्यक्ति की कुर्बानी देनी है। अटल निर्णय के तेज से दमक रहे थे तीनों के चेहरे। तभी वहां पहुंचे शर्मा को देखकर क्रोध से तमतमा उठे तीनों। हो गया अबे, मैं चलता हूँ, शाम को फिर मिलेंगे। उफ, कितना बड़ा भेड़िया छुपाए भेड़ की खाल में। रोज के नियम की तरह मुझे आज भी शर्मा अंकल के चरण स्पर्श करने होंगे, एक बेटे का फर्ज निभाने के लिए। एक देशभक्त तो अपना फर्ज रात को तब निभाएगा जब वह तिरंगा बनकर निकलेगा। एक देशद्रोही के प्रति नफरत का जो ज्वालामुखी अब दबाए हुए था वह मिसेज शर्मा के कंठ से फूट निकला। रुक जा भाई, तो जैसे देशभक्त का सिर एक दुराचारी और देशद्रोही के सामने झुके, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। आंटी। हाँ बेटे, हाँ। तेरे सामने खड़ा ये शख्स जो तेरे पिता और मेरा पति है, एक ऐसा शैतान है जिसने भारत माँ के आंचल के साथ साथ मेरी मांग के सिंदूर को भी कलंकित किया है। ये क्या बकरी हो तुम, ये सब झूठ है। सच क्या है और झूठ क्या, यह पुलिस खुद पता कर लेगी। क्रोध से विवर्ती मिसेज शर्मा टेलीफोन की तरफ बढ़ी, लेकिन मिसेज शर्मा के हाथ टेलीफोन तक पहुंच पाने से पहले भी गोली उस तक पहुंची, जिसने फोन के पर खच्चे उड़ा दिए। शर्मा का बॉडी गार्ड था वह जिसने गोली चलाई थी। शाबाश बिंद्रा, सही समय पर पहुंचे तुम। दूसरे पल एक झटके से अभय की तरफ पटपलटा शर्मा। अभी तक जो कुछ इस बेवकूफ औरत ने कहा एकदम सही था, लेकिन यह बात तुम तीनों के साथ इस घर में ही दफन होकर रह जाएगी। आप हम सबको मारेंगे? हाँ, क्योंकि तुम सब मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हो। बिंद्रा, शूट डैम। शर्मा के आदेश पर बॉडीगार्ड ने अपनी गन संभाली, लेकिन वह गन चला पाता इससे पहले अभय के पांव चल गए। गन हवा में उछली और सीधी अभय के हाथों में जा गिरी। इसी के साथ शर्मा ने झपट कर अपनी बीवी को दबोच लिया। गन फेंक दे अभय, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। मेरी परवाह मत कर मेरे बच्चे, भारत माँ के गौरव के लिए अपनी माँ का ये कलंकित सिंदूर मिटा दे। इस समय शैतान सवार है शर्मा अंकल के सिर पर। मैंने अगर कुछ करने की कोशिश की तो आंटी और शिखा की खैर नहीं। आंटी, शर्मा अंकल के कब्जे में है, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शिखा को जरूर बचा सकता हूँ। और उसके लिए मुझे शिखा को यहाँ से लेकर भागना होगा। ओह, शिखा को लेकर तेजी से भाग खड़े हुए अभय के कानों में गूंजी शर्मा की चेतावनी। इस शहर में तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते, ध्यान रखना। अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं इस औरत को मार डालूंगा। जब तक हम शर्मा अंकल की नजरों से बचे रहेंगे वे आंटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके ऐसा करते ही हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। अभय के भागते कदम अचानक शिखा ने रोक लिए। रुक जाइए भैया, आज भागने का समय नहीं, आज तो समय है वेदाग श्वेत वस्त्र और तिरंगा लबादा धारण करके उस ढाल को हाथ में लेकर निकलने का जो देशद्रोहियों का काल बनकर बरसती है। तूने सही कहा मेरी बहन, आज सचमुच एक देशद्रोही की गुनाहों का हिसाब करने का समय है, लेकिन उसके लिए हमें वापस लौटना होगा घर। एक पल बाद ही अभय तिरंगा के रूप में शिखा के सामने था। अब तुझसे अपने असलियत छुपाने की जरूरत नहीं है शिखा, जाओ तिरंगा खत्म कर दो एक देशद्रोही को। इसी बीच शहर से बाहर स्थित सुनसान क्षेत्र में बने इस बंगले में तिरंगा के पास मेरे खिलाफ सारे सबूत है मिस्टर किलर, वह देर सवेर यहाँ जरूर पहुंचेगा। तुम्हारी तैयारी पूरी है ना? हाँ शर्मा सेठ, उसे यहाँ पहुंचने में चाहे जितनी भी देर लगे, लेकिन इस बात की मेरी गारंटी कि वह यमराज के पास पलक झपकते ही पहुंचेगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें दौलत से लाद दूंगा किलर, शर्मा ने ठहाका लगाते हुए मिस्टर किलर से संबंध विच्छेद किया। दुनिया भर में हत्या विशेषज्ञ के नाम से मशहूर है मिस्टर किलर, उसने जिसके नाम की सुपारी ली खुदा भी उसे मरने से नहीं बचा पाता। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की कॉमिक्स सिंदूर मिटा दोगे दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।